हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और सभी को अभी ऑडियो वीडियो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जहाँ हम बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में यानी कि सेल के बारे में एक बार बताएंगे सभी को अभी ऑडियो क्लियर है कोई समस्या कोई दिक्कत गुड वाला मॉर्निंग नमस्कार राम राम राधे राधे आ चुके हैं सभी चलो भाई तो कल हम लोगों ने करी थी शुरुआत आपके जीव विज्ञान के अंदर हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या बेसिक इकाई होती है क्या सेल के बारे में डिटेल में हमने जाना और इसी प्रकार से किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली बायोलॉजी को आज बात करेंगे आपके इस नए टॉपिक को जो कि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हो या उस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आप लोगों के आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो इन सभी चीजों के ऊपर आज के टॉपिक में करते हैं शुरुआत और सेशन के बाद यानी कि जब हम पहले थ्योरी को पढ़ लेंगे उसी आधार पर हम कुछ सवालों को लगाएंगे जो आप लोगों से पूछे जाते हैं तो देखेंगे क्या कुछ आप आज पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से चीजें रहने वाली हैं लेकिन हाँ अपनी कलम किताब लेकर के बैठ जाना ताकि जो भी चीजें हम पहले पढ़ रहे हैं बाद में क्वेश्चंस जब कराए जाएं तो ये ना हो कि मैम अब क्वेश्चन कैसे करूँ क्योंकि ध्यान तो लगाया ही नहीं था पढ़ने में तो ध्यान लगाया ही नहीं हमने ऑल राइट सर सभी आ गए हैं नमस्कार गुड मॉर्निंग तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले कल हमने एक बेसिक सी कहानी पढ़ी थी कि मैम देखो ये जो सेल होता है जो एक सबसे छोटी कोशिका होती है ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है किसी भी बॉडी के लिए हम बात करें या किसी भी लिविंग थिंग की हम बात करें कि कोई जीवित जीव है उस जीवित जीव की सबसे मूलभूत इकाई इकाई सबसे छोटी क्या कही जाएगी उसे हम कहते हैं कि ये एक सेल है एक कोशिका यहाँ पर कही जाती है और इसी कोशिका के अंदर जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि मैम यहाँ पाए जाते हैं कुछ इंटरनल ऑर्गन्स आप देख रहे हो कि सेल है सेल के अंदर और क्या है वहां पाए जाते हैं कुछ कोशिकांग कुछ छोटे छोटे से इसके ऑर्गेनल्स क्लियर चलिए तो जिस प्रकार से आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो तो भाई यही चीज़ है कि मैम मन में आता है कि आखिर एक से दो सेल दो से चार और बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं एक ऊतक बना लेते हैं एक टिश्यू बना लेते हैं लेकिन ये सेल का पूरा डिवीजन कैसे होता है जब हम पूरे एक सेल की बात करते हैं कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ दो चार चीज़ें दिमाग में आती हैं मन में आती हैं और उन्ही चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ने भी वाले बार, बार, हैं सेल यानी कि कोशिका हम सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपके कोशिकांग क्या होते हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं यानी कि कोशिकांग क्या होते हैं कोशिका के इंटरनल ऑर्गन्स की आप हैं तो आपके भी अंदर कुछ ना कुछ अंग पाए जाते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऐसी कोशिका के अंदर के अंग कोशिकांग कहलाते हैं और फिर हम पढ़ेंगे कि इस कोशिका में विभाजन कैसे होता है सेल का डिवीजन कैसे होता है जिसे हम टॉपिक कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं कोशिका विभाजन अब देखो ये चैप्टर कम एक कहानी ज्यादा है अगर हम ध्यान से सुनना चाहे मैंने आपसे एक चीज कही है हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है हम समझ के हर एक चीज को चलेंगे कंप्लीट बायोलॉजी ही कराऊंगी बेटा पूरी बायोलॉजी लो आप लोग की मैं कराने वाली हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स पुष्पेंद्र सर कराएंगे कोई और समस्या डाउट हो तो एक चीज़ और यहाँ पर कि डिटेल में आप लोगों की क्लासेस रहेंगी साथ ही साथ में आपके जितने भी एग्जाम हम फोकस करने वाले हैं 2024 को टारगेट करते हुए वो सभी चीजें रहेंगी पी क्लास के बाद रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी तो जिसने नहीं ज्वाइन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को सभी जो भी डाउट रहता है फिर सेशन के बाद उनको एक बार दोबारा ले लेंगे सेल डिवीजन समझ नहीं आता ना सबसे बड़ा दुख है यार सबसे बड़ा दुख है कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ आता लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा पहले हमें सेल समझना होगा तो सेल की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है एक जनाब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक क्या नाम था रॉबर्ट हुक देखो कुछ इस प्रकार से जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो एक बड़ा दुख आता है। दुख क्या होता है कि बहुत सारे नाम है। के ही बहुत सारे नाम है अब उन नामों को उनके ईयर्स को कैसे और क्वेश्चन यही पूछता है आपसे कि नाम क्या है ईयर क्या है कौन से सन में ये काम हुआ अपन एक पूरी शॉर्ट टेबल बना के समरी के साथ ट्रिक के साथ उसको याद करेंगे लेकिन सेशन पहले समझेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें ये रॉबर्ट साहब पेड़ के ऊपर पेड़ की जो छाल होती है आप सबको पता है तो मसाले वाली चाय पीते हो वहां पे भी हम दालचीनी का प्रयोग करते हैं वो दालचीनी भी क्या होती है अगर आपने देखी हो तो वो पेड़ की छाल होती है कुछ ऐसे ही इस छाल के ऊपर काम कर रहे थे जिससे कुछ इस प्रकार की आपने अगर बॉटल्स देखी हैं तो ये ढक्कन टाइप डाट जो होती है वो बनाई जाती है

अब देखो हम देख रहे हैं हमें लग रहा है छोटे छोटे से बॉक्स हैं बट एक्चुअली में इन्होंने जो बोला था ना इन्होंने कहा एक छोटा खाली बंद कमरा तीन चार वर्ड्स इन्होंने बोले कि मैम इसमें क्या है इसमें दिखा इन्हें छोटा खाली बंद कमरा बोलो बात समझे तो जब इन्होंने ये चीज देखी तब अपनी इंग्लिश से नहीं लैटिन भाषा से एक शब्द लिया और उस शब्द को सेल्यूला बोला और फिर बोले कि अच्छा इसका मतलब होता है खाली बंद कमरा तब इन्होंने नाम दिया था सेल का इन्होंने एक वर्ड दिया था सेल्यूला कहाँ से लिया था ये लैटिन भाषा से लिया था लेटिन भाषा का ये शब्द था लेटिन भाषा से यह शब्द लिया था रॉबर्ट हुक साहब ने सोलह सो में जब ये काम इन्होंने किया तब इन्हें नजर आया कुछ छोटे छोटे बंद कमरे वहां से शुरुआत होती है सेल की इसका मतलब छोटे खाली बंद कमरे फिर हमने इसको सेल के रूप में यहाँ पर जाना लेकिन ये सेल कैसा था ये सेल मृत था ये डेड सेल था बेसिकली जीवित कोशिका नहीं थी एक डेड मृत कोशिका हमें नजर आई तो सबसे पहली जो खोज हुई थी वो इन्हीं के द्वारा हुई थी लेकिन मृत कोशिका की जीवित अभी भी नहीं आया हम सीक्वेंस से मैम सबसे पहले कोशिका मिली मिली मृत ठीक है भाई किसने ढूंढी रॉबर्ट हुक ने ढूंढी तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो हम सेल की बात कर रहे हैं कोशिका अब जो नोट कर रहे हैं वो एक बार साथ में लिख लेंगे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 देखो ईयर और इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है तो जरा इसको ध्यान से लिखिएगा 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोज हुई थी अब ये जो खोज हुई ये कॉर्क की कोशिकाओं से हुई तो क्वेश्चन जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा कहाँ खोजा इन्होंने कॉर्क सेल्स में किसके अंदर कॉर्क की कोशिकाएं कॉर्क की कोशिकाएं जो कि एक पेड़ की छाल में इनको नजर आई थी अब वो ऊपर की तरफ जो कॉर्क इन्हें दिखा था क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार ये जो नाम लिया गया ये कौन सी भाषा से लिया गया तो Cellula word by Latin language that means इसका अर्थ क्या है टाइनी स्मॉल एंड hollow कंपार्टमेंट जो इनके द्वारा माना गया था कि भैया ये क्या है छोटे बंद खाली कमरे हैं ठीक है, छोटे बंद खाली कमरे को नाम दिया गया कोशिका ठीक है जो कहां से लिया था आपका लैटिन भाषा से भाषा से कभी-कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं मैम लेकिन पढ़ने के बाद ना चीजें लिखते नहीं है तो वहीं पर वहीं पर चीजें हमारी क्या हो जाती हैं बिगड़ जाती हैं चलिए मैम एनडीए में बिल्कुल देखो एक चीज समझना एक चीज समझना सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी तो एनडीए वाला बदल तो देगा नहीं अगर वो भी पूछेगा तो बेसिक से मैम कहानी तो यही आएगी तब भी रॉबर्ट हुक साहब को ही क्रेडिट दिया जाएगा कब दी थी सोलह सौ में दी थी क्या नाम दिया था ये दिया था, था? लैटिन भाषा से दिया था ये दो टूक सीधे सीधे पॉइंट में क्वेश्चन जो है वो आप लोग के यहाँ से बन जाते हैं तो आई होप की बात सभी को क्लियर हो रही होगी ये जो पूरा बना ये था मृत यानी कि डेड डेड

आप भी काम कर रहे हो और भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं किसी की डिस्कवरी पहले हो गई किसी की बाद में हुई तो जिसकी पहले हुई उसने पहले अपना काम कर दिया लेकिन मे बी वो सक्सेसफुल ना हो या उन्होंने कुछ चीजें कम ढूंढी हो तो अगला वाला उसके और ऊपर काम करेगा और अच्छी चीजें खोजने का प्रयास करेगा तो इसी प्रकार से उन्होंने जब मृत कोशिका खोज ली तो अगले वाले जो वैज्ञानिक थे उन्हें और कॉन्फिडेंस आया कि चलो और अच्छे से काम करते हैं वो अचानक से हुआ अचानक से क्या हुआ कि एंटनी वैन यूवन हॉक साहब थे घूमने के बड़े शौकीन थे आप में से भी होंगे घूमने के बड़े शौकीन था घूमना बहुत पसंद है मैम हमें तो जब घूमने की बात आती है तो वो भी ऐसे थोड़ा आस पास में घूमने निकले हुए थे तालाब का पानी था पास में वो तालाब के पानी में अपना कुछ काम कर रहे थे और वहीं पर उनके नाखूनों में कुछ मिट्टी लग गई थी और जब बाद में उनके पास भी अपना एक माइक्रोस्कोप था उस टाइम पर भी माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं उन्होंने भी क्या किया मतलब इनके काम के बाद एंटनी वेन ल्यूविन साहब ने अपना एक माइक्रोस्कोप कुछ इस प्रकार से बना रखा था कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ था ये बोले कि चलो ठीक है ये जो मेरे नाखून नाखून में कीचड़ लगी है इसको चेक कर लेता हूँ कि भैया इसके अंदर आखिर क्या है उनके भी मन में ऐसे ख्याल आते रहते थे उन्होंने जब चेक किया तो उन्हें मिला कि यार यहाँ पर तो कोई ऐसा जीव है बहुत छोटे छोटे जीव जो नग्न आंखों से तो नहीं दिख रहे थे लेकिन वो मूव कर रहे थे उनके अंदर गतिशीलता थी उसको उन्होंने बोला कि ये पहला जीवित कोशिका हमें यहाँ पर नजर आ रही है मतलब बहुत छोटे छोटे से उनको जो बैक्टीरिया है उसकी खोज जीवाणु है उसकी खोज यहाँ पर इन्होंने करी थी क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है तो लिविंग सेल की खोज करी गई थी एंटनी वेन ल्यूविन हॉक साहब के द्वारा ये इनका माइक्रोस्कोप था ये थे आपके एंटनी वेन ल्यूविन साहब थोड़ी इमेज बना लो दिमाग के अंदर कहते हैं कि भाई पुराने सभी के ना बाल ऐसे बड़े बड़े से सब न्यूटन आइंस्टाइन जैसे दिखाई देते हैं तो इमेज जो है हालांकि पूछी नहीं जाएगी लेकिन थोड़ा सा देखेंगे ये है आपके एंटोनी वेन ल्यूवेन इन्होंने करा था फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी ए वी एल के नाम से ये जाने जाते हैं एंटोनी वैन ल्यूवन हॉक ए वी एल एंटोनी वेन ल्यूवेन हॉक अब एक चीज याद रखेंगे इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि ये पहले सूक्ष्म जीव के ऊपर अध्ययन करने वाले हमें नजर आए थे जिन्होंने खोज करी थी तो पहला जो हमने इनको क्रेडिट दिया वो था डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल पहली जीवित कोशिका की इन्होंने खोज करी आप बोलोगे मैम वो जीवित कोशिका थी कौन सी वो थी हमारा मतलब वो था जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं पहला लिविंग सेल कॉल्ड एज बैक्टीरिया पहले जीवित कोशिका की खोज जिसे जीवाणु के नाम से जाना जाता है जीवाणु के नाम से जाना जाता है अब आप सोचेंगे मैम एक बात और क्या इन्होंने जीवाणु के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर काम नहीं किया होगा क्या कि इन्हें और भी चीज़ें नहीं मिली होंगी क्या इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ की डिस्कवरी करी थी तो ऐसा नहीं है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी करी अभी हम सबकी बात करेंगे सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया खोजा था इसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिखने वाले प्रोटोजोआ इसकी भी खोज करी थी स्पोम यानी कि शुक्राणु की बात करें जो नर युग्मक होता है मेल या होता है इसकी भी खोज इन्होंने यहाँ पर करी थी क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है साइनोबैक्टीरिया वाली कहानी अलग पढ़ेंगे वो साइनो बैक्टीरिया ग्रीन एलगी वो सब बैक्टीरिया जगत में यानी मुनेरा जगत के अंदर अलग अलग प्रजातियां दिखाई देती हैं एक सच्चा बैक्टीरिया है पढ़ेंगे उसको भी जब पूरा पांच जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे फिलहाल इन्होंने पहले

और इसीलिए हमने इनको क्या क्रेडिट दिया कि इन्होंने पहला सूक्ष्म जीव छोटा सूक्ष्म आप देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को खोजा इसीलिए इनको पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा गया था फर्स्ट माइक्रो बायोलॉजिस्ट पहले सूक्ष्म जीव विज्ञानी तो पहली हम, काम जो था वो इन्होंने कर दिया इसके अलावा प्रोटोजोआ की बात करें या हम शुक्राणु की बात करें तो इसका भी नाम जो है वो आप लोग लिख लेंगे कि इसकी भी खोज जो है वो इन्होंने ही यहाँ पर करी थी स्पर्म यानी कि शुक्राणु अच्छा इसके साथ साथ मुझे एक बात बताओ आप सबसे ना स्कूल में नाइन टेंथ में जब भी एक्सपेरिमेंट अगर कभी करे होंगे तो मैम हमसे स्कूल वाली मैडम ने एक प्याज मंगवाई थी हुआ था कभी एक्सपेरिमेंट की प्याज मंगवाई है प्याज की झिल्ली उतरवाई है और फिर एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है स्कूल के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो एक थम्सअप का साइन शेयर कर दो जल्दी से हाँ ये सब लिविंग सेल हैं इनकी किताब भी थी अभी बात करेंगे तो मैम अगर ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ भी कि हमसे प्याज की झिल्ली मंगवा मतलब प्याज मंगवाई जा रही है उसके झिल्ली को हटवा के एक्सपेरिमेंट करा हमने या फिर आपसे चीक सेल आपके गाल के अंदर का एक सेल एक पूरा झिल्ली निकलवा के उसके ऊपर काम करवाया जा रहा है यूजली बच्चों ने किया होता है है ना हार्डली कोई ऐसा होता है जैसे नहीं किया हो स्कूल नहीं गया हो या ध्यान नहीं दिया हो तो ये सब चीजें आपसे कराई जाती हैं नाइन टेंथ में बेसिक साइंस में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर इसके अध्ययन जो है वो करवाए जाते हैं क्युं? क्यों क्योंकि मैम वहाँ पर भी हमें हाँ क्या दिखता है एक जीवित कोशिका नजर आती है अनियन सेल के अंदर जो प्याज की झिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था वो भी यही बताता है कि उस झिल्ली के अंदर मुझे क्या दिखा जीवित कोशिका दिखी तो एक पहला प्लांट सेल जो इनको दिखा था ना वो अनियन पील के अंदर दिखा था प्याज की झिल्ली के अंदर दिखाई दिया था ध्यान से समझना भाई बात को तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लांट सेल पादप में जो एक सेल इन्हें दिखा था वो अनियन पील एक्सपेरिमेंट वाला अनियन पील जो प्याज की झिल्ली होती है प्याज की झिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन्होंने इसके साथ साथ इसको यहां पर देखा था मैंने किया है एक्सपेरिमेंट अनियन वाला बहुत बढ़िया भाई किया होगा निश्चित तौर पे किया होगा आपने चलो क्लियर तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया पहला पहली पादप कोशिका बनाई पहली पादप कोशिका बनाई अच्छा दूसरी मैं बात करूं। इन्होंने अपनी किताब थी एंटोनी वैन ल्यूवन हॉक की ही बात कर रहे हैं जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर इसके अंदर अपनी अपने काम को अपने खोज को अपनी डिस्कवरीज को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया बोलो बात सभी को क्लियर हो रही है तो मैम ये दो डिस्कवरीज बेहद इंपॉर्टेंट है जहां हमसे छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं कि शुक, शुक्राणु क्या है मेल या मीट क्या है किसने इसकी खोज करी थी तो आप बताएंगे एंटनी वैन ल्यून हॉक ने करी थी नर युग्मक इसको कहते हैं प्रोटोजोआ की खोज करी या हम बात करें बैक्टीरिया की खोज उन्होंने करी पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कहा पहला प्लांट सेल इन्होंने खोजा फादर आपसे पूछ लिया जाए लिविंग सेल को बनाने वाले कौन थे तो वो भी यही कहे जाते हैं किताब क्या लिखी थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर लिखी थी तो ये सभी काम क्या करे थे

अब कहानी क्या आती है कि मैम देखो तो इतना तक तो ठीक है ये तो चीज़ें मैं समझ गया कि अच्छा किसने क्या चीजें खोज करी और किस प्रकार से करी आपके वैन कुछ इस प्रकार से थे उसके बाद ये तीन और वैज्ञानिक आते हैं कहानी वही कि मुर्गी पहले आई कि अंडा आप में से कोई बताएगा भाई मुर्गी पहले आई कि अंडा अभी भी तुम इसी कन्फ्यूजन में हो आज भी कि मैम मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था आंसर क्या लगाऊं जो कहा जाता है कि पहला आदमी इस धरती पर जो आया कि एडम और ईवाए थे या कुछ कहते हैं कि एक पसीने से भरी हुई शर्ट को रख दो तो वहाँ से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गैनिज्म बनने शुरू हो जाते हैं बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम इवोल्यूशन की पढ़ते हैं तो बात वही आती है कि मैम थ्योरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन उस टाइम पर भी एक कन्फ्यूजन था कि पहला सेल कहाँ से आया होगा इन्होंने एक डेड एक लिविंग सेल खोज लिया तब हमारे पास एक सेल थ्योरी देने वाले कोशिका का सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक आए थे एक ज़ुलॉजिस्ट थे दूसरे बॉटनिस्ट थे थियोडोर स्क्वान स्लीडन और श्वान के नाम से कोशिका का सिद्धांत बना वो दोनों इस चीज में थे कि भाई सेल पहला कहा से आया तो इन्होंने कहा ठीक है यार देखो जितने भी जीवित जीव हैं वो सेल से बने डेफिनेटली जब आप कोई लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो कोई जीवित बता रहे हो तो आपने क्या बोला कि ये सब किससे मिलकर बने हैं सेल से मिलकर बने हैं बोलो हाँ ये आधे मुर्गी और आधे अंडे में लगे हुए हैं अभी सब समझते है रुक जाओ जरा ठीक एक एक चीज को समझेंगे तो मैम इन दोनों ने तो ये कहानी कह दी क्या कहा सारे सेल जो जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हैं इनकी पहली कहानी इनकी सेल थ्योरी बेहद इंपॉर्टेंट है सेल की थ्योरी कोशिका सिद्धांत पहला इनका पॉस्टुलेट आया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल सारे जीवित जीव किससे मिलकर बने हैं कोशिका से मिलकर के बने हैं सभी जीवित जीव कोशिका से बने हैं ठीक है भाई तुम्हारी बात समझ गए लेकिन मुद्दा तो अभी भी वहीं का वहीं है कि पहला सेल कहाँ से आया बोलो इसके बाद दूसरी कहानी इन्होंने क्या दी कि जितने भी क्योंकि एक पादप जीव विज्ञानी थे एक जंतु जीव विज्ञानी थे एक जोलॉजिस्ट थे जो जोलॉजी का अध्ययन करते थे और एक बॉटनिस्ट थे जो पूरी कंप्लीट पादप विज्ञान या बॉटनी का अध्ययन करते थे बोले यार देखो जितने भी जानवर हैं सब जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और जितने भी प्लांट्स हैं सब पादप कोशिकाओं से मिलकर बने वहां दूर बैठे हुए एक और जनाब थे अभी उनके बारे में डिस्कस करेंगे वो बैठ के सोच रहे थे कि भैया तुम कहना क्या चाहते हो ये बात तो तुम्हारी सही है कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनके अंदर पादप कोशिकाएं होंगी जितने भी जंतु कोशिकाएं हैं उनके अंदर जंतु की कोशिकाएं होंगी चलो ठीक है तुमने तीन स्टेटमेंट दिए थे तीनों हमने यहाँ पर मान लिए इधर देखो तो सभी जीवित जीव कोशिका से मिलकर बने हैं दूसरा कहानी क्या कही इन्होंने ऑल दी प्लांट सेल्स ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ प्लांट सेल्स ठीक है यानी कि सभी पादप पादप कोशिकाओं से मिलकर बना है ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ एनिमल सेल्स इतनी सिंपल कहानी कह कैसे गई कुछ तो गड़बड़ होगा है ना किसी के दिमाग में चल रहा था एक कोने में कि कुछ तो गड़बड़ है अब बाबू भैया बताओ क्या गड़बड़ है सभी जंतु जंतु कोशिका से बने हैं जंतु कोशिका से बने हैं ये तीन स्टेटमेंट आपके जहां दिख जाए ना अगर स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो ये तीन स्टेटमेंट कहे जाते हैं किसके सेल थ्योरी के कोशिका का सिद्धांत की देखो मैंने तो अपना सिद्धांत क्लियर कर दिया मेरी थ्योरी ये कहती है अब आगे तुम बताओ तो एक कॉर्नर में एक और व्यक्ति थे जो इनकी पूरी कहानी देख रहे थे सुन रहे थे हालांकि उन्होंने अपना स्टेटमेंट बाद में पास किया था इनकी पूरी कहानियों को सुनने के बाद वो थे ये कोने में बैठे हुए रुडोल फर्को ये बाद में बोले एक बड़ा बढ़िया सा फ्रेज देखिए कहते हैं ओमनेस सेल्युला ई सेल्यूला तुम कहोगे अरे मैम ये कौन सा मंत्र पढ़ दिया आपने है ओमनेस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब सभी कोशिकाएं जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे बन रही हैं अरे भैया यही तो कहानी सॉल्व नहीं हो रही कि पहली कोशिका थी कौन सी अल्टीमेटली बात वही आती है कि पहली कोशिका थी कौन सी तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इनका मानना था कि पहले जो ऑलरेडी कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होता है और फिर आपकी एक नई कोशिका बनके तैयार होती है ये कहानी कौन किसने दी ये दी थी रिडोल वर्को साहब ने ठीक है मैम इन्होंने दे दी और अल्टीमेटली फिर उसको हमने आगे एक्सेप्ट किया कि जो पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उनसे डिवीजन हो करके क्या बनता है आपके नए फर्दर आगे के सेल्स बनते हैं 1855 में बहुत बढ़िया प्रीत मिश्रा प्रीत मेहरा चलो ठीक है हाँ अभी भी देखो सवाल वही है मैम पहला कौन मुर्गी या अंडा पहला कौन वही कन्फ्यूजन यहाँ भी था बट अल्टीमेटली उसको आगे क्लियर किया गया इसके बाद ठीक है ये जनाब आए इन्होंने एक वर्ड जो दिया था ये वर्ड था e फ्रेज सेल्यूला था लैटिन भाषा का शब्द है ये इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सभी कोशिकाएं सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है और प्रक्रिया क्या रहेगी यहां पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया रहेगी कि यहां सेल का डिवीजन होता है एक सेल टूटेगी दो में दो से चार चार से आठ इस प्रकार से कोशिका विभाजन आपको दिखाई देता है ये देखो क्लियर तो कुछ इस प्रकार से हमारा Uh, जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पर दिया गया और इस स्टेटमेंट के बाद हमें आधी चीजें क्लियर हुई कि अच्छा एक प्रोसेस और भी होता है जिसे कहते हैं सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन यानी कि कोशिका अपने आप में मैं कह रही हूं एक छोटा सा सेल है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है एक केंद्रक पाया जाता है और अन्य जो भी अंग होंगे ना वो भी अपने आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और अल्टीमेटली ये सेल टूट करके दो अलग अलग भिन्न कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होता है यहां से फिर हमने आगे इसकी स्टडी करी कि अच्छा कोशिका में भी विभाजन जो है वो आपको देखने को मिलता है बोलो बात समझे कि नहीं समझे जल्दी से बताओ एक थम्स अप का साइन कि मैम ये तीनों कहानियां हमें समझ में आई श्लीडन और श्वान साहब आए थे ये कोशिका सिद्धांत देने वाले थे श्लीडन एंड श्वान ठीक है इन दोनों ने दी थी आपकी सेल की थ्योरी कोशिका का सिद्धांत क्लियर है डन तो मैम ये कहानी थी हमारे सेल की अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं कि चलो सेल तक तो हमें समझ में आ गया ये भी अपनी कहानियां देखे चले गए सेल हमें दो मुख्य प्रकार के दिखाई दिए एक प्लांट में प्लांट का और एनिमल में एनिमल का प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के अंतर को समझना इस चैप्टर की चाबी है इस चैप्टर का मुख्य आधार है क्योंकि सवाल मैडम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं कौन सा कोशिकांग प्लांट में है कौन सा एनिमल में है किसका क्या कार्य है इनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी खोज कब हुई किस तन में हुई

ठीक है सोनू गुप्ता देखो तो पढ़ लो एक बार पूरा चैप्टर समझ में आएगा ना अंत में तुम्हें खुद खुद तुम आंसर करोगे मैम मुर्गी पहले आई कि अंडा कि सेल पहले आया है या उससे पहले बनने वाला सेल पहले आया कि आखिर पहले आया कौन तो टेंशन ना लो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी चैप्टर को समझो अभी शुरुआत है आगे आगे जब आप पूरा चैप्टर समझेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई डाउट नहीं बचेगा लेकिन उसके लिए ना थोड़ा पेशेंस के साथ समझना होगा इज दिस क्लियर अब यहां इस पूरी सेल में जो हमने पढ़ा था, था विषाणु एक ऐसा जीव होता है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है, जो ना तो जीवित है और ना ही मृत है अगर वो किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो जीवित हो जाता है और अगर बाहर रहता है तो वो मृत रहता है वायरस अगर पूरे वातावरण में दिख रहा है कहीं तो वो मृत है तब हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लिविंग वाली जीवित वाली नहीं होती लेकिन ही वो मेरी बॉडी में आया मेरी बॉडी में तरह काम कर रहा है मेरी बॉडी से ही पोषण लेने का काम यहाँ पर कर रहा है कुछ इस प्रकार से वायरस को इसका एक अपवाद एक एक्सेप्शन एक के रूप में हमने माना था फिर कहानी ये आती है कि आपने सेल तक तो चीजें ठीक है लेकिन मैम कुछ कोशिकाएं ऐसे नजर आती है देखो इधर कुछ कोशिकाएं जो है आपकी कुछ इस प्रकार से ठीक है यह आपको दिख रही है कुछ इस प्रकार से यहाँ बीच में निकला हुआ एक फ्लैजला और एक तरफ तुम्हारे पास पूरा एक आदमी है उसके हाथ पांव ठीक है प्रॉपर तुम्हें दिख रहे हैं अब आप क्या बोलोगे कि मैम इन दोनों में कुछ तो अंतर है ना ये पूरा ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ आदमी के पास पेट भी है माशा भी है और मतलब अलग अलग सारे के सारे अंग हैं। ये पूरी मानव की बॉडी तैयार है लेकिन एक तरफ मेरे पास एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में केवल एक बीचों बीच में केंद्रक मैं कह देती हूँ कि यहाँ केंद्रक मौजूद है सराउंडिंग में कुछ द्रव्य उपस्थित है और इसी के पूरे शरीर के अंदर काम जो है वो चल रहा है आप बोलोगे मैम ऐसी जो भी जीव हमारे सामने होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं अमीबा है पैरामीशियम है युगलीना है बहुत सारे नाम पड़ेंगे ये सब कहलाते हैं एकल कोशिकीय है। एक कोशिका होती है इनके पास मतलब सोचो कोशिका मिलकर के उत्तक बनाती है उत्तक से अंग बनता है अंग से अंग प्रणाली और फिर बनता है पूरा कुछ ऐसा आपका शरीर मैम यहाँ तक तो कहानी ही नहीं आई कहानी तो वही रुक गई एक कोशिका में ही सब कुछ हो रहा है और वही जीव कहलाते हैं यूनिसेल्युलर यानी कि एकल कोशिकीय तो जो हम जीव पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपके दो प्रकार के जीव होते हैं जो भी हम लिविंग जीवित जीवों की बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर का मतलब एकल कोशिकीय आप नाम में ही समझ रहे हो एक ही कोशिका होगी जो पूरे शरीर का काम करती है एकल कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव अब अंतर क्या है इसके अंदर अंतर सिंपल है जैसे कि हमने बात करा एक ही सेल काम कर रही है पूरी बॉडी का चाहे वो खाना पचाना हो एक्सक्रीशन हो बॉडी में दिल धड़क रहा हो दिल हो या ना हो ब्लड अंदर आ रहा हो या जो भी चीजें अंदर शरीर के अंदर चल रही हैं उन सभी को संभालने वाला एक कोशिका मैम मसला संभाल लेगी कोई टेंशन वाली बात नहीं इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल हम अमीबा का देखते हैं जिसकी कोई शेप तो नहीं होती ऐसा में कोई शेप नहीं दिखती, ये जिस आकार रख दू। मैंने यहाँ पे कुछ खाने का है अब ये बेचारा कैसे खाएगा अब ये कैसे खाएगा एक बात बताओ तो मैम ये क्या करता है ये थोड़ा मूवमेंट अपना शो करेगा और धीरे धीरे करके ना इसको इनगल्फ कर लेगा मतलब इसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है इसको निगल लेता है और अल्टीमेटली इसको यहाँ पर ये यह खाने का काम करता है तो इसकी बॉडी की सतह ही चाहे वो खाना खाना हो चाहे बॉडी से कोई वेस्ट निकालना हो तो एक तरफ से वो बॉडी का वेस्ट रिलीज कर देती है तो लगभग इसकी एक ही शरीर जो है वो यहाँ पर काम करती है किस प्रकार से पूरे कोशिका का पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं उन सभी का काम तो यहाँ कोई अंग नहीं बनता कोई अंग प्रणाली नहीं बनती बस हाँ यही कोशिका है जो कि कार्य करती है तो आप लिख सकते हो ये केवल एक ही सेल से मिलकर के बना है मेड ऑफ ओनली वन सेल एक कोशिका से बना है और यह मेड ऑफ मैनी सेल्स बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं यहां पर उनसे मिलकर के बनाए और जब बहुत सारी सेल्स हैं तो मिलकर के उत्तक भी बनाएंगी उत्तक से अंग भी बनेगा और अंग प्रणाली भी बन जाएगी यहाँ पर बहुत कोशिकाओं से बना है अच्छा एक बात बताओ मान लो तुम कहीं बाहर रह रहे हो घर पे नहीं रहते बाहर रहते हो कहीं और अकेले रहते हो कहीं पीजी लेके हॉस्टल में या कहीं बाहर आप अकेले रह रहे तो घर में ऐसा होता है ना कि घर पे जब हम मम्मी पापा सबके साथ रहते हैं तो मैम हमारे काम बट जाते हैं हम कह देते हैं ठीक है मम्मी घर का, का काम कर लेंगी खाना बना लेंगी और पापा बाहर का, का काम संभाल लेंगे मैं पढ़ लेता हूँ छोटी बहन है वो बाकी का, का काम संभाल लेगी भाई है वो कुछ काम कर लेगा तो आपने अपने घर में क्या करा काम को बांट दिया ऐसा तो नहीं है ना कि सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा हो जब आप घर में सबके साथ हो आपके साथ कौन है बहुत सारे अलग अलग फैमिली मेम्बर्स आप तो मैं बाहर जाऊंगा दिल्ली रहूंगा प्रयागराज जाऊंगा पढ़ाई करूंगा वहाँ पे सिलेक्शन लूंगा अकेले रहूंगा लेकिन ना किसी के साथ नहीं रहना अकेले जब आ जाते हैं तो मैम सारा काम अपने ऊपर कि खुद खाना बनाना है कपड़े भी खुद ही धोने हैं सारे काम खुद ही करने हैं मैम पढ़ना भी हमें खुद ही है ठीक है पढ़ना भी हमें खुद ही है तो जब हमें कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं तो हम क्या समझते हैं कि मैम जब हम घर में रहते हैं ना तो हमारा काम कुछ मल्टी जैसा होता है बहु कोशिकीय मतलब इस बहु कोशिकीय के पास मैं कहूँगी इसका एक उदाहरण समझना मानव ह्यूमन अब ह्यूमन के पास क्या है पूरी बॉडी है आपने कहा कि मैम इस व्यक्ति के पास इसका अमाशय खाना पचा रहा है इसका दिल धड़क रहा है ब्लड को पंप कर रहा है इसके फेफड़े श्वसन में मदद कर रहे हैं तो सारा काम जो है इसने बांट दिया है यहाँ पर काम बटा हुआ है अकेले किसी को नहीं करना लेकिन यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आता है अमीबा अमीबा एक एक एकल कोशिकीय जीव है और यहाँ पर इस बेचारे अकेले स्ट्रक्चर को ही सारा का सारा काम संभालना होता है खाना खाने से लेकर पचाने से लेकर और बाहर निकालने तक तो इसको कहते हैं अभी प्रो कैरियोटिक यू कैरियॉटिक नहीं आया अभी इधर समझो इतनी जल्दी क्या थोड़ा समझो जरा बात को सब चीजें समझेंगे तो इसको कहते हैं एकल कोशिकी और इसे कहा जाता है बहु कोशिकी जितने भी ह्यूमन है हम मानव की बात कर रहे हैं हम पादप की बात करें प्लांट्स की बात करें जंतुओं की बात करें इधर आपका अमीबा आ जाता है पैरामीशियम आता है ठीक है कुछ युगलीना आ जाते हैं ये सभी अलग अलग उदाहरण हैं जो कि आपको एकल कोशिकीय जीव के नजर आते हैं इनके पास एक अंदर केंद्रक होगा एक कोशिका ही होती है जो लगभग पूरे कार्य को संभाल रही होती है और इसी प्रकार से मैम पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगा टेलीग्राम पर कल का भी है मैराथन का भी है एक बार चेक कर लेना और आज वाली क्लास का भी मैं अपडेट करवा दूंगी तो परेशान होते हो भाई पहले पढ़ लो काफ मिल जाएगी यहाँ समझ में आ गया ना ये छप गया तो पीडीएफ तो अपने आप तुम्हारे पास आ ही जाएगी ई किलर ये एक नाम दिया गया था उस फ्रेज को जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो मेरे हिसाब से जो भी कोशिकाएं आई हैं ना वो पहले से जो कोशिकाएं बनी हुई थी उनसे नई पैदा हुई है और नई कैसे बनी जब कोशिकाओं में विभाजन हुआ कि मेरे पास एक सेल थी इसके अंदर विभाजन हुआ दो में बनी ये दो फिर आप आगे जाकर के डिवाइड होंगी चार में बनेंगी, इस प्रकार से बनी थी तो उस स्टेटमेंट को लेटिन भाषा में कहा गया था cellular, e -cellular। बोलो, मैराथन वाला कल की क्लास वाला आज की क्लास वाला एक बार रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना आपको वहां पर मिल जाएगा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आज वाला अपलोड हो जाएगा और कोई समस्या अच्छा कितनों को बायो समझने में दुख दर्द पीड़ा लग रही है भी भी कि कि मैम ना ना हो ही नहीं पाएगा ये कहते हैं अंदर अंदर से अंदर से आग होनी चाहिए कि मुझे पेपर निकालना है आगे तो कहानी बन जाती है रास्ते निकल जाते हैं तो तुम अंदर से ही नहीं चाहते हो तुम चाहते हो कि नहीं सिंपल सिंपल चीजें मिल जाए मैम पका पकाया मिल जाए कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं जाकर के मैं पेपर में लिखाऊंगा बस कहा टेंशन भैया मुझे थोड़ा सा ना मज इतना है कि आप लोग समझिए चीजों को कोई दिक्कत लगती है तो आप बिल्कुल पूछिए ये कोशिकीय है ये बहु कोशिकीय जीव यहाँ पर कहे जाते हैं और इसी के साथ यहाँ एक इसकी प्रॉपर्टी और नोट कर लेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर जो मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर काम क्या होता है बट जाता है काम बट जाता है, काम बढ़ जाता है है इसे मतलब आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि यहां पर कार्य जो है, वो एक ही कोशिका को एक ही कोशिका को नहीं करना पड़ता सारे अलग अलग सेल्स ऑर्गन अंग प्रणाली मिलकर के एक काम जो है वो आपका यहाँ पर संभालते हैं कोई दिक्कत समस्या हाँ भाई तो इन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा ये दिख रहा है पैरामीशियम है अमीबा है युगलीना है कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो ये जो अकेली पूरी बॉडी नजर आ रही है सराउंडिंग में कुछ फ्लाजिला होंगे घूमती रहेगी तो ये बॉडी हमारी क्या कहलाती है सिंगल सेल वाली एकल कोशिकी है अकेले आपको एक ही बॉडी में पूरा सेल नजर आ रहा है ठीक है इसी प्रकार से बहु बहु कोशिकी है आपने जैसे देखा कि मैम यहाँ पर हमारे ये सारे सेल्स आई जाते हैं चाहे हम प्रोकैरियोटिक की बात करें या यूकैरियोटिक की बात करें अब मुद्दा आता है कि मल्टी के अंदर ये जो हमने कैटेगरी समझी ना अभी इसके अंदर हम पढ़ते हैं आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को कि वो मल्टी है या वो यूनिसेल्युलर है इन दोनों विभाजक जो हमने किए हैं इनको डिवाइड किया है उस आधार पे हम अगले जो डिवीजन है उसको यहाँ पर समझेंगे बेटा मल्टी का मतलब बहु कोशिक मल्टी मतलब बहुत सारा

ये आशा अमाशय के अंदर क्या होंगे कुछ कोशिकाओं का समूह होगा और इस कोशिकाओं का समूह किससे मिला एक सेल से मिला बात वहीं आती है बात वहीं आती है Is this clear? अब वो आते हैं जो बिल्कुल बैठे हैं मैम शहनशाह बन के कैसे बैठे हैं इधर देखो यूनि सेल्युलर मल्टी सेल्युलर तक चीजें आपको समझ में आई अब कुछ होते हैं प्रो कैरियोटिक सेल और कुछ होते हैं यूकैरियोटिक सेल मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए आप चाहते हैं कि हम सिर्फ रट्टा मारें या आप ये चाहते हैं कि मैम हम ना बेसिक से समझ के चलें बस एक चीज का आंसर देना तुम समझना चाहते हो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे कि तुम समझना चाहते हो चीजों को और फिर उसको समझ के अपने आप जो याद हो जाती हैं उस प्रकार से चाहते हो या तुम सिर्फ रटना चाहते हो बताओ ऑप्शन ए अभी क्या लगाना चाहते हो मेजोरिटी आज किसके साथ जाएगी किसको मिलने वाली है यहाँ पर मेजोरिटी बेसिक से ए के साथ जाओगे अब ए के साथ जाओगे तो कितने लोग अपने पढ़ाई को प्रो लेवल पे ले जाना चाहते हैं ना मैम हम प्रो हैं हम एडवांस भैया तो तो थोड़ा सा समझने के लिए रटने की आदत छोड़ दो बायोलॉजी है रटना शुरू कर दिया डोंट डू दिस अब गए वो टाइम ना अब रटना वटना नहीं है मैम अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है पहले तुम किताबों में सिर्फ पढ़ते थे लिखा लिखाया पढ़ लिया डायग्राम देख लिया याद कर लिया जी है वीडियो है हर चीज से देखो समझो और उसके बाद आगे बात करो कि अच्छा अब दिख गया मुझे कैसे क्या बना है आगे हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां बिल्कुल डिटेल में हम एक एक वीडियो को देख करके समझेंगे कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे हुआ है तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं लगेगी उसे याद करने में अब जैसे ये मान लीजिए प्रो वर्ड का मतलब होता है प्राथमिक ठीक है कैरियो कैरियो वर्ड तुम्हें जहां दिखे इसका मतलब केंद्रक से संबंधित बात कर रहा है प्राथमिक मतलब मैं कहूं प्राइमरी है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस है ठीक है और सेल मतलब कोशिका आपको पता ही है मैम ऐसा ऐसा सेल या ऐसी कोशिका जो प्रो है प्रो मतलब प्राइमरी है जो पहले आई थी पहले लिख लो प्रो लिख लो प्राइमरी लिख लो पहले आई थी पहले आई थी इसका मतलब क्या हुआ कि मैम ये ना कुछ चीजों में कम होगी मैं इवोल्यूशन के टाइम पे शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें आपने देखी जो अब एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी तो अब उनमें भड़कर के आ रही है तो पहले नहीं थी प्रो में पहले आपकी बहुत बेसिक सी चीजें थी लेकिन जैसे जैसे आप आए यू कैरियोटिक यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू सच्चा एक कंप्लीट जैसे आप कहते हो और कैरियो वर्ड मतलब न्यूक्लियस ये पूरी बायोलॉजी में कहीं पे भी तुम्हें कह रहे हो, दिख जाए समझ जाना केंद्रक 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 की बात हो रही है न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक में थोड़ा सा समझा दूं पहले आपको कि जो केंद्रक होता है ना कि अगर मेरे पास एक सेल है इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच में आपका एक केंद्रक बैठा होता है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं डीओक्सी राइबो एसिड ये अनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने के लिए इस पूरे कोशिका का बिल्कुल ब्रेन हेड ऑफ द फैमिली ब्रेन कह लो जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा कि पूरे सेल में क्या चल रहा है उसको संभालने वाला कि घर में दादाजी सब कुछ संभालते हैं हेड ऑफ द फैमिली है पापा है दादा है सेम ये काम आपका केंद्रक बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ कर रहा होता है ये है तो सारी चीजें आपकी बैलेंस चल रही होंगी ठीक है हाँ, तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक ट्रिक तब पहले बेसिक समझो उसके बाद की कैरियोलॉजी तो के के कहा जाता है पढ़ेंगे तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई प्रो कैरियोटिक सेल है इसका मतलब यहाँ पर सेल तो है बट कुछ ऐसे कोशिकांग होंगे जो कि यहाँ पर नहीं होते यहाँ पर उपस्थित नहीं होते आपसे अगर पूछा जाए कि भैया एक एक्चुअल सेल कैसा दिखता है तो एक सेल है प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं इसके चारों तरफ एक सेल वॉल है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं एक सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली जिसे कहा जाता है ठीक है ये आपकी कोशिका भित्ति है अभी कुछ सवाल करेंगे तब देखेंगे कितने हैं पानी में चल रहे हैं मैडम हम बीचो बीच में देखो भाई क्या आएगा बीचो बीच में जैसे मैंने बताया आपका एक केंद्रक आएगा इस केंद्रक से जुड़ी हुई यहाँ एक जाल सा बना होता है जिसे कहते हैं अंतः है प्रद्वी जालिका और इसी के साथ ना इस पूरे एरिया में क्या भरा हुआ होता है एक द्रव्य भरा होता है एक लिक्विड भरा होगा जिसमें ये सारे अंग जो है, वो तैर रहे होते हैं मतलब ये ये जितने भी अलग-अलग आप इसमें देखोगे एक्चुअली फ्लोट करते हैं इसके अंदर तैर रहे डन तो एक तरफ ये मुझे न्यूक्लियस दिखाई दिया फिर इसको अंत प्रद्वी जालिका कहेंगे रेटिकुलम साइड में मुझे यहाँ कहीं एनर्जी देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा सूत्रगणिका कुछ छोटे छोटे से पदार्थ दिखेंगे राइबोसोम लाइजोजोम नाम के तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं अब जब मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करती हूँ इसमें एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का बैक्टीरिया प्रिमिटिव है प्राथमिक है सारी चीजें नहीं है वहाँ पे मतलब सारे कोशिकांग नहीं है वहाँ पे न्यूक्लियस भी कैसा है प्राइमरी है मतलब एक्चुअली में न्यूक्लियस नहीं है वहाँ पर न्यूक्लियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर है क्या है न्यूक्लियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर है और बाकी के कोशिकांग नहीं है कुछ होते हैं जैसे राइबोसोम दिखाई देगा ठीक है राइबोसोम नजर आएगा आपको आपका न्यूक्लियोइड आएगा बाकी के सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, कोशिकांग जो हैं, वो यहां पर एबसेंट होंगे

ठीक है साथ ही साथ में ये स्ट्रक्चर जो है इसके पास एक फ्लैजला दिख रहा है ये मूव करने के काम आता है जो जीवाणु होते हैं हमारे वो आते हैं आपके प्रो के अंदर एडवांस नहीं होते ज्यादा सिंपल साधारण सुशील से है ना ऐसे बेसिक से दिखाई देते हैं बोलो समझेगी नहीं कि अभी वो है जो अपने गांव में बैठ के तैयारी कर रहा है दिल्ली आके हवा नहीं लगी है उसको ये आ गए हवा लग गई इनको ये पूरे तरह से डेवलप हो चुके हैं मैडम ठीक है डोमेन बेसिकली किंगडम के ऊपर वाला आपको एक डिवीजन दिखाई देता है ऐसा जितना क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके इसीलिए हमने उसको नहीं कवर किया है ठीक है तो ये कहलाता है आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो कि इसके पास क्या नहीं है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरह से झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है प्रोटेक्टिव नहीं है दूसरा आप कह सकते हो इसका डीएनए भी गोलाकार है कैसा है गोलाकार है ये अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी गोलाकार डीएनए है डीएनए वरना आपको जो दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार से नजर आता है स्पाइरल बाइंडिंग में नजर आता है कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के पास मेम्ब्रेन होती है वरना नहीं होती है राइबोसोम होते हैं जो कि सेवेंटी एस टाइप के होते हैं और अभी ये कंफ्यूजन में बताना कि मामी क्या होता है ये अभी हम जब पूरे ऑर्गेनल्स को समझेंगे तो चीजें आपकी अपने आप क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी बाकी यूकैरियोटिक की बात करें तो इसके पास नाभिक बढ़िया है कोशिकांग बढ़िया है डीएनए है यूनिसेलुलर स्पीशीज भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर स्पीशीज भी होते हैं और अल्टीमेटली हम जो बात करने वाले हैं वो आपके इस पूरे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इन सभी कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो जैसे मैंने आपको कहा था इसको हम तीन भागों में पढ़ेंगे आज हमने सेल के बारे में जाना कल सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिर सेल का विभाजन कैसे होता है माइटोसिस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्लियर अब मुझे जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर लगा दो देखिए तुम कितने पानी में हो भाई चलो समझ तो तुमने लिया चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि लिक्विड कौन सा पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मैम यू कैरिया हाँ हाँ देखो मैं जानती हूँ आप में से ना बहुत सारे लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है मैम बढ़िया करके पढ़ रखा है लेकिन मैं उस प्रकार से कराऊंगी कि आप में जितने भी साथी हैं जीरो से हीरो वाली कहानी ए टू जेड वाली कहानी मेरे हिसाब से आपको कुछ भी नहीं आता मैं ये मान के आपको कराऊंगी ताकि हर एक स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से भी यहाँ बैठा हो प्रेशर हो एडवांस हो हर किसी को समझ में आ जाए आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी उसे कहते हैं न्यूक्लियो मैंने कहा कि ये सेल है सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है अब सेल के अंदर वाले लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव्य सेल के लिए आ रहा है प्लाज्मा द्रव्य के लिए आ रहा है तो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका के अंदर बैठा हुआ द्रव्य इसको कहा जाता है लेकिन इसके बीच में न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बीच में भी कुछ द्रव्य बैठा होता है उसको न्यूक्लियो के नाम से जाना जाता है यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक का द्रव्य न्यूक्लियो के नाम से जाना जाता है क्लियर है सबको बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बोलो भाई कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ किस नाम से जाना जाएगा कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर

किसकी उपस्थिति का पता केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा लगा सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा किसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज या क्या होगा करो फटाफट से पीडीएफ फ्रैंकर्स गुरुगुल पे मिल जाएगी अच्छा दूसरी चीज आप लोगों का एक दिसंबर से साइंस स्पेशल बैच आ रहा है एप्लीकेशन पर ठीक है कंप्लीट साइंस आपके हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए आर जी विक्रमजीत ऐप अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड करी है तो कर लेना क्योंकि वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में आपका पूरा का पूरा साइंस का पोर्शन बायोलॉजी मैं कवर कराऊंगी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पुष्पेंद्र सर कवर कराएंगे पूरी तरीके से हम यहाँ पर साइंस के अंदर मैम सारा डर जो है ना उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ठीक है ऑप्शन डी और ए लगा रहे हैं दरअसल अगर मैं बात करूं इन तीनों में से लाइजोजोम जो है वो बड़े छोटे छोटे से होते हैं तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा लगा सकते हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी खोज की गई थी उसके द्वारा हम छोटे छोटे से सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं इन्हें कहते हैं इन्हें कहते हैं आपका लाइजोजोम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है

बी ऑप्शन आ रहा है लेकिन देखो इधर ही तुम बहक जाते हो सबसे छोटा पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में राइबोजोम था ही नहीं अब नहीं था तो मैडम फिर क्या कर सकते हैं होगा तो फिर हम राइबोसोम को लगाएंगे राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं और सबसे छोटे इन ऑप्शंस में से आपको क्या दिख रहा है सबसे छोटा यहाँ पर ये नजर आ रहा है ठीक है स्मॉलेस्ट इन साइज पूछा है सबसे छोटा हमें कौन सा दिखाई देगा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डीएनए किसका एक घटक है डीएनए कहाँ उपस्थित होता है में 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 है में है uh, में है न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट में है या ए और बी दोनों में होगा ये क्वेश्चन आज आप लोग मुझे होमवर्क में बताने वाले हो क्योंकि अभी हमने इसको कवर नहीं किया है इसको हम कवर करेंगे कल के सेशन में और इसी के साथ समझेंगे कि आखिर मैम ये कहाँ पर मौजूद है और क्या क्या कोशिकांग हमारे उपस्थित होते हैं सो दिस इज यमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना कि आप इसका आंसर लगा पाओ और कल वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर आप लोगों का इकोलॉजी था जिसमें हमने रिलेशनशिप की बात करी थी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर था कल इकोलॉजी ठीक है पारिस्थितिकी विज्ञान जिसमें हमने कहा था कि मानव और उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट है इसके साथ रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आए थे पर्सनली मैंने सारे कमेंट्स को देखा था तो भैया आप लोग के आंसर जो इकोलॉजी थे वो सही थे कुछ जियोलॉजी भी लगा रहे थे वहां तुम बह गए थे जियोलॉजी होता है भू तो ये ये वर्ड समझो भू विज्ञान इको मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित शब्दों को तोड़ दो और समझ जाओगे कि आखिर मसला क्या है ठीक है चलिए न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ट्रिया क्लोरोप्लास्ट लर्निंग पॉइंट बहुत बढ़िया चलो प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी आप लोग एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट की लिंक भी आप लोग को मिल जाएगी बाकी आशा यही करूंगी कि आप सभी को चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हुई हों कोई भी डाउट प्रॉब्लम रहती है अभी खैर चैप्टर चल रहा है मैम अभी तो डाउट बनेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बताना मैम कोई दिक्कत समस्या लगे हो तो चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सुबह ग्यारह बजे और पीडीएफ ट्रैकल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी इसी के साथ आप लोगों की क्लासेस स्टेट एग्जाम्स का जो चैनल है आर स्टेट एग्जाम्स वहां पर भी है जो एस एस की तैयारी कर रहे हैं अभी दोपहर एक बजे आप लोगों की क्लास होने वाली है वहां पर जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एस एस के लिए कम्पलीटली और जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं बिहार इंटर लेवल जो आप लोग का एग्जाम है आज रात आठ बजे आप लोग की क्लास वहाँ पर आर स्टेट एग्जाम्स पर भी होने वाली है तो जरूर से जुड़ें अभी दोपहर एक बजे और रात को आठ बजे भी मैं आप लोग का वो पोर्शन कवर कराऊंगी तो मिलते हैं आप लोगों से टिल देन हैव अ वेरी गुड डे और क्लास कैसी लगी है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा थैंक यू सो मच